एस जो कल ही लॉन्च हुआ है और ये इंडिया में वन प्लस टेन आर के नाम से ट्वेंटी ऑफ तो अप्रैल को लॉन्च होने वाला है

जैसे कि ओप्पो रेनो एस ओपो एस टू अभी ये ब्रांडिंग वन प्लस के नीचे आती है वैसे ओप्पो वन प्लस और रियलमी तीनों एक ही ब्रांड है बॉक्स के साइड में देखें तो वहाँ पे भी फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है जहाँ पे वन प्लस चाइनीज़ में लिखा है और 5G का लोगो भी मिल जाता है और यहाँ पे वन प्लस का लोगो मिल जाता है बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है जहाँ पे न्यूज़ लेटर सिम टूल कुछ डॉक्यूमेंटेशन और वन प्लस के स्टीकर मिल जाते हैं और ये है वन प्लस एस फोन फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बाकी का बॉक्स कंटेंट देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है और ये है वन सिक्सटी वेट का पावर एडाप्टर, जो टाइप सी के आउटपुट के साथ आता है और ये पीपीएस, पी और क्यूसी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है यानी यानी इससे आप टाइप सी वाले लैपटॉप टैबलेट भी चार्ज कर सकते हैं और ये फोन को कितने टाइम में चार्ज करेगा वो मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ देख के आप शौक होने वाले हैं और आखिरी में रेड कलर में टाइप सी टू सी केबल मिल जाता है जो ट्रेडिशनल चार्जिंग केबल से थोड़ा मोटा मिल जाता है बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है अब बात करते हैं वन प्लस एस के डिजाइन और बिल्ड की लेकिन दोस्तों उससे पहले लेटेस्ट अपडेट सबसे सब पहले देखने के लिए और लगी वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पे फोन में दो कलर्स मिल जाते हैं ब्लैक एंड ब्लू और ये ब्लू कलर वेरिएंट है फोन के बैक में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वॉटरफॉल प्रोसेस का यूज हुआ है और फोन में पहली बार मैट ग्रेडियंट पैटर्न का भी यूज हुआ है और यहाँ पे फील और लुक एजी ग्लास जैसा देखने को मिलता है लेकिन इस बार बैग को बनाने की प्रोसेस एजी ग्लास से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट साइड देखें तो सी जैसी पैटर्न देखने को मिल जाती है जो फोन के लुक को अलग लेवल पे ही ले जाती है बोटम में देखें तो वन प्लस का लोगो मिल जाता है और इस बार कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन देखें तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाती है जहां पे लार्ज एरिया इरेग्युलर रेक्टेंगुलर डिजाइन देखने को मिलती है जो लेफ्ट साइड फ्रेम से चिपकी हुई है और फोन के बॉडी के साथ कैमरा मॉड्यूल भी आर एंगल में मिल जाता है कैमरा मॉड्यूल में मेन कैमरा लेंस काफी बड़ा मिल जाता है और उसके नीचे दो छोटे लेंस प्लेस्ट किए गए हैं और यही पैटर्न कल साउमी के सीवी वन में भी देखने को मिली थी और दोस्तों मैंने ऑलरेडी सीवी वन एस का अनबॉक्सिंग कर दिया अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जरूर से देख अब वापस आ जाते हैं वन प्लस एस की बिल्ट पे फोन की फ्रेम फ्लेट मिल जाती है लेकिन इस बार प्लास्टिक की मिल जाती है तो यहाँ पे बिल्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा फोन में प्लेसमेंट देखे तो वॉल्यूम ब्रोकर लेफ्ट में मिलेगा पावर बटन राइट में मिल जाएगा और बॉटम में सिम ट्रे प्राइमरी माइक्रोफोन टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है और अच्छी बात यह है की फोन में स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं लेकिन डोलवी एटमोस्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा फोन की थिकनेस देखे

सेवन डबल सिक्स सेंसर मिल जाता है जो इस सेगमेंट के कई सारे फोन में देखने को मिलता है जो ओ के साथ आता है सेकेंडरी एट मेगा पिक्सल का सोनी आईम एक्स थ्री डबल फाइव अल्ट्रा वाइट सेंसर मिल जाता है जो वन हंड्रेड एंड नाइनटीन डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है और थर्ड दो मेगा पिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है आप यहाँ पे डे टाइम फोटोज देख सकते हैं डे टाइम में फोटोज अच्छी मिल जाती है डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी मिल जाती है और फोटोज में कलर भी रियल देखने को मिलते हैं यानी नेचुरल फोटोज मिलेगी ओवरऑल फोटोज एबो एवरेज मिल जाती है I wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hella shit sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, i of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stabbed in the back.

प्रोसेसर में मैक्स क्लॉक स्पीड 2.85 पॉइंट की मिल जाती है यानी एक फ्लेक्सिप लेवल की स्पीड मिलेगी फोन में एल पी रैम मिल जाती है और यू एफ स्टोरेज साथ में फोन में हाइपर बोस्ट गेम फ्रेम स्टेबिलाईजेशन इंजिन भी लगा है यानी हाई एंड गेमिंग में मोर स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा साथ में फ़ोन में सुपर क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट हिट डिसिपेशन सिस्टम भी लगी है जहाँ पे हिट डिसिपेशन एरिया 4129 स्क्वायर एमएम तक मिल जाता है आप यहाँ पे एंट्री टू स्कोर भी देख सकते हैं करीब 8 लेक्स के ऊपर मिल जाता है यानी ये स्कोर स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट प्रोसेसर जितना मिल जाता है फोन में हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं एवरेज फ्रेम रेट भी ज़्यादा मिल जाती है और फ्रेम ड्रॉपिंग इश्यू भी कम से कम देखने को मिलता है ओवरऑल फोन में परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा कहीं भी लेक देखने को नहीं मिलेगी फोन में बैटरी की बात करें तो 4500 थाउजेंड की बैटरी मिल जाती है जो एवरेज यूज पे एक दिन आसानी से चलेगी लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए 150 फिफ्टी का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है जो बैटरी को पांच मिनट में फोर्टी थ्री परसेंट तक और अट्ठारह मिनट में हंड्रेड परसेंट तक चार्ज कर देता है इस पर कंपनी बैटरी को सोलह सौ बार चार्ज करने के बाद भी एटी परसेंट बैटरी लाइफ बची रहती है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कई लोग सोचते हैं बहुत ही फास्ट चार्जिंग दिया गया है तो बैटरी की लाइफ कम हो जाती है लेकिन कंपनी ने ये भी प्रूव किया है वन प्लस की प्राइस की बात करें तो बेस्ट वेरियंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब ट्वेंटी से शुरू होती है और हाइस्ट वेरियंट की प्राइस फोर्टी तक जाती है कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले सुपर मिल जाती है परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा और चार्जिंग भी फास्ट मिल जाता है और आप इस फोन को एज ए गेमिंग फोन भी यूज कर सकते हैं इवन कंपनी ने फोन के साथ कूलिंग बैक क्लिप भी लॉन्च की गई है जो 18 हाई पावर का यूज कर दी है और फोन को 13 डिग्री तक कूल रखती है दोस्तों आपको जैसे की पता है इंडिया में यही फोन वन प्लस के नाम से आने वाला है ट्वेंटी अप्रिल को तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला क्यों देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए ग्रेट एंड केप स्माइलिंग